हेलो एवरीवन, मैं बनाने जा रही हूँ केक्सी। तो इसको बोलते हैं केक्सी। ये अभी बारिश के मौसम में पाया जाता है और ये देसी केक्सी है, और इसी का बड़ा आता है, उसे हम खेक्सा बोलते हैं। तो उसे हम हर समय पा सकते हैं, लेकिन ये वाला बारिश के सीज़न में पाया जाता है। ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है वो है, और ये बहुत पौष्टिक होता है, गुणों से भरा हुआ होता है। इसके बारे में आप व्हाट्सएप में या कहीं यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं कि ये बहुत गुणकारी होता है। तो मैं इसे इस तरह से काट ली हूँ, और कुछ मैंने इस तरह से भी काटा है। तो कभी कभी कुछ लोग लंबे काट कर बनाते हैं, यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग इस तरह से। तो मैंने इसे छोटे काटे हैं। और ये रहा मेरा आलू, ये रहा प्याज, ये रहा लहसुन। तो मैं बस इतनी चीज़ों से अभी इसकी सब्जी बनाऊंगी, और टमाटर भी एक दो डाल दूंगी इसमें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑयल चढ़ाया हुआ है। अब इस ऑयल में मैं अपने प्याज को भुनने के लिए डाल दूंगी। अब ये प्याज भुन जाए तो फिर मैं आलू और फेक्सी है जो, उसे एक साथ डाल दूंगी। तो इसे मैं ज़्यादा देर तो नहीं भूनूंगी, इसमें आलू और प्याज को भी एक साथ ही ऐड कर दूंगी। तो क्या होगा कि ये सब एक साथ ही भुन जाएंगे। अगर अलग अलग भुने तो कभी प्याज जल जाता है तो कभी आलू जल जाता है, इसलिए हम इसको एक साथ ही भूनेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए। अब मैं इसी में अपने आलू को भी ऐड कर देती हूँ, और जो मैंने केक्सी लिया है उसे ऐड कर देती हूँ। ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत खाया जाता है, और इसी सीज़न में मिलता है, बारिश के सीज़न में। तो अभी इसका प्राइस भी 50 रुपये पाव चल रहा है। तो आपके यहाँ भी ये मिलता है, तो आपके यहाँ इसका क्या प्राइस चल रहा है बताइएगा। और आपने अगर इसे खाया है और आपके यहाँ क्या बोला जाता है इसे, तो वो भी बताइए हमें। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और हम इसे अच्छी तरह से तेज़ आँच में भूनेंगे। अभी मैं यहीं पे रहकर भूनूंगी, तो मैं इसे तेज़ आंच में ही भूनूंगी। और अगर आप कुछ और काम करते हुए बनाएंगे तो उसे सिम में करके भूनिएगा। तो इस तरह से इसे मैं मिक्स कर दूंगी अच्छे से और बनाऊंगी। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरा 1200 केक बना दिया है। 1.2 के हो चुका है मेरा। तो आप लोग में से जिनने भी मेरा ये वीडियो देखा, मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाया, उसे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहेंगे और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप जो भी देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो इसे मैं थोड़ी देर भून लूँगी, उसके बाद जब भून जाए तो इसमें अपने मसाले ऐड कर दूँगी। तो इसे हम भून लेते हैं पलटा पलटा कर। इसे मैंने तेज़ आंच में ही भूनने के लिए रखा है, तो ये बहुत जल्दी भून जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मसाले ऐड कर दूँगी मैं। तो देखते रहिए। तो देखिए ये इस तरह से भून चुका है, इसे अभी और थोड़ी देर भूनूंगी मैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका टेस्ट लगभग करेले जैसा होता है, लेकिन करेला थोड़ा और ज़्यादा कड़वा होता है, ये उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो मैंने इसमें डालने के लिए जो मसाले निकाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है मिर्ची, धनिया, हल्दी, लहसुन तो आपको बता चुकी थी, ये थोड़े कसूरी मेथी और टमाटर, और ये लास्ट में डालने के लिए मैंने धनिया दिया हुआ है। तो ये मसाले थोड़ी देर में अच्छे से थोड़े कुरकुरे हो जाए, लाल हो जाए, फिर मैं उसके बाद अपने सब्जी कुरकुरे और लाल हो जाए उसके बाद मैं अपनी सब्जी इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप में से किन किन लोगों ने ये सब्जी खा चुके हैं या फिर देखा है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसमें इस तरह से प्याज थोड़े बड़े बड़े काट कर बनाते हैं ना, तो जैसे करेले का करेला 2 प्याजा होता है और भिंडी 2 प्याजा होता है, उसी तरह से इसमें भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने इसमें अपने प्याज को बहुत बड़े बड़े काटे हैं। तो थोड़ी देर बाद भून जाए फिर मैं इसमें अपने मसाले ऐड कर दूँगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। फिर
ये जो खेक्सी है उसे हम जितना अच्छे से भुनेंगे ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। लगभग इसे इस तरह से, जो ये वाला खेक्सी दिख रहा है ना, उस तरह से भुनना है। तो मेरी अभी सारी खेक्सी तो भुनी हुई नहीं है, तो मैं दिखा देती हूँ कि इस तरह से लाल होते तक इसको भुनना है। तो कई सारे में बीज हैं तो वो थोड़ा लेट से भुन रहे हैं, तो इसे अपने पास खड़े होकर ही यहीं पर भूनते रहिए ताकि ये अच्छे से भुन जाए और नीचे से जले भी ना। तो दोस्तों, आप लोगों की वजह से मेरे बहुत जल्दी 1.2K हो चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप इसी तरह से मेरा हेल्प कीजिए और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, और बताइए, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो भी कमेंट कीजिए, और कुछ बुरा लगता है तो भी बताइए, तो मैं उसमें ठीक करूँगी उस चीज़ों को। तो मेरे साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन करेलों में मैं अपने जो मसाले मैंने बनाकर रखे हैं ना उसे ऐड कर देती हूँ, और लहसुन को भी ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे मसाले, इनको सारे मसालों को मैं ऐड कर दे रही हूँ, और इसी में ही मैं टमाटर को भी डाल दूँगी। तो आपने ये सब्ज़ी खाई होगी तो आप बताइए। तो देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी में जब मसाले मैंने डाले तो वो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो यहीं पर मैं अपने नमक को भी ऐड कर देती हूँ ताकि जो आलू मैंने डाले हैं उसमें भी अच्छे से नमक मिक्स हो जाए, और केक्सी है जो उसमें भी। तो मैं अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल देती हूँ, आप भी अपने हिसाब से डालिएगा, और इसे मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर और भूनने देती हूँ, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरे मसाले इसमें मिक्स हो चुके हैं, और आलू थोड़ा सा पकना बचा है, और मैंने नमक डाला था उसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे आप अपने स्वाद के हिसाब से रोटी, चावल और चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। और आप भी खाइए, और अपने फैमिली को भी बनाकर खिलाइए, और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है, और इसमें मैंने धनिए को भी ऐड कर दिया है, और मैंने इसे प्लेट में भी सर्व कर दिया है। तो इसे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखने में इस तरह से थी, इसे हम यहाँ पे खेक्सी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप इसका नाम बताइएगा ज़रूर। और ये इस तरह से बनेगा। तो आप भी इसे खाइए और टेस्ट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। वॉचिंग के लिए थैंक यू।